एचएल टीवी न्यूज। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मिस्टर इंडिया में सिल्वर जीतकर अपने घर पहुंचे फरीदाबाद के छोटे से गांव पावटा के राजेश का स्वागत करते दिखाई दे रहे ये फरीदाबाद के लोग हैं, जो राजेश की जीत का जश्न मना रहे हैं। राजेश जैसे ही अपने गांव पहुंचे, लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। राजेश फतेहाबाद के एक जिम में अपना अभ्यास करते हैं। राजेश ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने गुरु और अपने बड़े भाइयों को दिया है। वहीं राजेश के गुरु सुभाष भड़ाना के मुताबिक राजेश ने दिल्ली में होने वाले अब ओपन मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग में सिल्वर मेडल जीतकर अपने शहर का नाम रोशन किया है। इसकी अभी केवल 2 साल की प्रैक्टिस है। राजेश युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। किसको श्रेय देंगे इसका? जो भी है गुरुजी की वजह से, आज जो भी इतना बनाओ, जो भी सब कुछ गुरुजी की वजह से है, सब गुरुजी और बड़े भाई जी है। परिवार का कितना सहयोग रहा आपको? परिवार का पूरा सहयोग रहा, बड़े भाइयों का। कितने साल की प्रैक्टिस है? 2 साल की प्रैक्टिस में। आपसे पहले भी बहुत से पहलवान प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, मेहनत करने के बाद 10 साल कर लो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन दिल से कुछ करेंगे तो दिल से करना चाहिए। हाँ, जो भी करे दिल से करेंगे। जो युवा नशे की लत बना लेते हैं, शरीर को ध्यान नहीं देते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि नशे की जान चाहिए, जो भी है इसमें करे। यस, हाँ। राजेश सर, आप पीछे 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 आएगा आपका सर, क्या सुनना है आपका? मेरा नाम सुभाष भड़ाना है। सुभाष जी, कौन सी ये चैंपियनशिप थी, ये क्या जीता है? ओपन मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी दिल्ली में, जिसके अंदर इस बच्चे ने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, और सिल्वर मेडल जीत के पूरे फरीदाबाद शहर का इसने नाम रोशन किया है। नाम रोशन किया है। जी। कितने दिन की प्रैक्टिस है इस बच्चे की? इस बच्चे की अभी 2 साल की मेहनत है, और आगे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इवेंट होने जा रहा है, उसके लिए मैं इसको तैयारी करा रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बच्चा जरूर मेडल लेकर आएगा। युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है राजेश। हाँ, युवाओं के लिए फरीदाबाद का नाम भी रोशन किया है। जी जी, आपका बड़ा सहयोग रहा है। किस तरह से सहयोग रहा है? देखो, मेरा तो मैं मेहनत कराता हूँ बच्चों को, और इनको अच्छी शिक्षा देता हूँ, बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, और इन बच्चों की मेहनत होती है। कोच जब भी किसी के लिए कुछ कर सकता है, जब बच्चा दिल से मेहनत करे और उसके परिवार का समर्थन साथ में हो। और जैसा कि अभी विजय भाई ने भी आशीर्वाद दिया है, तो जब समाज का और लोगों का सबका समर्थन और सबका सहयोग मिलता है, तभी बच्चा कामयाब होता है। खुशी का विषय है ये कि फरीदाबाद का नाम रोशन किया राजेश ने, और पूरा शहर इस बात की खुशी मना रहा है। मुझे बेहद प्रसन्नता है। आजकल युवा नशे की गर्त में चले जा रहे हैं, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको मोटिवेशन लेना चाहिए ऐसे बच्चों से। ये तो है ना, आम के आम, गुठलियों के दांव। आप शरीर भी बना रहे हैं, और उसके अलावा आप करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए। आपने सम्मानित किया 2.5 लाख का चेक लेकर, उन युवाओं को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, क्या कहेंगे भाई आप इस लाइन में आइए, अपनी बॉडी बनाइए समाज के? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहता हूँ भाई, ये जीवन एक अवसर है, और इस अवसर को व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमें सही दिशा में आना चाहिए। और विशेषकर उनके पेरेंट्स, जो उनके गार्जियंस हैं, उनको समझाना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर किसी नशे में पड़ जाए, गलत लत में पड़ जाए, तो उसे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, उसे काउंसलिंग की जरूरत है। तो माँ बाप ये ना सोच ले कि भी अपने आप ठीक हो जाएगा। फरीदाबाद से हलचल टीवी के लिए विक्रम भारद्वाज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।